मैं हूं रेशियो और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद रेशियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बिस्किट से स्विस रोल बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये रोल, और ये स्विस रोल बनाने के लिए गैस चलाने की भी जरूरत नहीं है, बिना गैस जलाए बनाएंगे ये स्विस रोल। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये रोल बनाने के लिए लेने हैं बिस्किट। ये मैंने पार्ले जी बिस्किट के 3 पैकेट लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी जो मीठे वाले बिस्किट आते हैं वो ले सकते हैं ये रोल बनाने के लिए। और लेना है नारियल का बुरादा। ये मैंने 50 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है। ये मैंने 2 छोटे चम्मच शुगर को मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। बटर 2 छोटे चम्मच, 2 से 3 इलायची का पाउडर, और ये ली है कॉफ़ी 1/4 छोटी चम्मच। ये मैंने हर्षी का सिरप लिया है, ये यूज़ करेंगे 2 बड़े चम्मच। अगर आपके पास सिरप ना हो तो आप कोकोआ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और लिया है दूध, इसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें जो बिस्किट लिए हैं उन्हें तोड़ तोड़ कर डालेंगे और इन्हें पीस कर पाउडर बना लेंगे इनका। ये मैंने अभी आधे बिस्किट लिए हैं और जो बाकी के बिस्किट हैं उन्हें मैं बाद में पीसूंगी। ये मैंने बिस्किट्स को पीस लिया है, तो अभी ये जो पाउडर है इसको छान लेंगे, जिससे कि जो हमें बिस्किट्स का पाउडर मिले वो एकदम स्मूथ फाइन पाउडर हो। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है बिस्किट का उसको जार में ही डाल देंगे और इसी जार में जो बाकी के बिस्किट्स हैं उन्हें डालकर पीस लेंगे। ये मैंने सभी बिस्किट्स को पीस लिया है, तो इसमें अभी कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। कॉफ़ी पाउडर ज़्यादा ना डालें, ये मैंने 1/4 चम्मच से भी कम डाला है कॉफ़ी पाउडर। 1 छोटी चम्मच बटर डालेंगे। चॉकलेट सॉस, ये मैंने 2 बड़े चम्मच चॉकलेट सॉस डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह पर डाल सकते हैं कोकोआ पाउडर। अगर आपने कोकोआ पाउडर डाला है तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर भी ऐड कर लें। वैसे तो बिस्किट मीठे हैं और चॉकलेट सिरप भी मीठा है, इसीलिए मैंने नहीं डाला है इसमें शुगर पाउडर। अगर आप कोकोआ पाउडर डाल रहे हैं तो इसमें 1 छोटी चम्मच शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हाथ से सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और डो लगाएंगे। ये मैंने 3 छोटे चम्मच दूध डाला है, अभी एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे। और हमें जो डो है वो ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। अब ये डो मैंने लगा लिया है और इसे लगाने में लगभग मैंने 6 से 7 छोटे चम्मच दूध का यूज़ किया है। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं। तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसमें जो नारियल का बुरादा है उसे डालेंगे और इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे, इलायची पाउडर। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर के लिए इसमें वनीला एसेंस ले सकते हैं इलायची पाउडर की जगह पर, और बटर भी डाल देंगे अभी इसमें। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बटर पेपर लेकर उसके ऊपर बटर लगा देंगे अच्छे से। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं। अब इस बटर पेपर के बीच में जो बिस्किट का डो बनाया हुआ है उसको रखेंगे और उसको इस तरह हाथ से प्रेस करते हुए थोड़ी लंबाई और चौकोर शेप में करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे हमें लंबाई में ही बेलना है। अब एक बेलन की हेल्प से इसको बेल लेंगे और बेलते टाइम ध्यान रखना है कि ये कहीं से मोटा या फिर कहीं से पतला ना हो, बिल्कुल एक जैसा बेलना है इसे। और बेलने के लिए आप बटर पेपर को ही इस तरह घुमाते हुए इसे बेलें। अब ये मैंने बेल लिया है, इसे ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है। अब इसके ऊपर नारियल का बुरादा डालेंगे और नारियल के बुरादे को इसके ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे। अब ये नारियल का बुरादा मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है, तो अब इसे फोल्ड करना है और इस तरह बटर पेपर के साथ ही इसे फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं, और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, टाइटली प्रेस करेंगे। अब बटर पेपर को हटाएंगे और इस तरह फिर से फोल्ड करेंगे इसे और प्रेस करेंगे टाइटली इसको।
बिल्कुल हल्के हाथ से इसको नहीं बनाना है, थोड़ा टाइट टाइट से प्रेस करके बनाना है। इसी तरह से बटर पेपर की हेल्प से इसको पूरा रोल कर लेंगे। अब इसको अच्छे से रोल करने के बाद इसे बटर पेपर के साथ ही फ्रिज में रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद इसे पीसेस में कट करके सर्व करेंगे। अब 1 घंटे के बाद मैंने रोल को फ्रिज से निकाल लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे नाइफ की हेल्प से इस तरह राउंड शेप में कट करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से कट करना है इसको। तो आप देख सकते हैं ये देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आप बनाकर देखिए और आप जब किसी को खिलाएंगे तो वो सोच भी नहीं पाएंगे कि ये आपने बिस्किट से बनाए हैं और घर पर बनाए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।